हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, अज असी चले हाँ सरहिंद फतेहगढ़ साहिब दर्शन करने वास्ते। वेखो, जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहला आनंदपुर साहब का किला छड़िया, सरसा नदी ते आके परिवार का विछोड़ा हो गया, ते किवें उन्हां मासूम बच्चे जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सन चार साहबजादे, उन्हां विचों दो चमकौर साहब के अंदर शहीद होए, ते छोटे साहबजादियां नूं बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी नूं किवें जालमां ने नीहां विच चिण के शहीद कर दिता। सो उन्हां दी शहादत नूं कोट कोट प्रणाम। ते हुण असी गुरु साहिब जी दे उस पावन अस्थान दे, छोटे साहबजादियां दे अस्थान ते माता गुजर साहिब कौर, आओ उन्हां दे दर्शन दी दहारे करन दे वास्ते चले हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी हम जा रहे हैं सरहिंद, और मेरे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी, पीछे बैठे हैं जो, और उसके बाद हैं राजेश कुमार, और उसके बाद बैठे हैं कुलबीर सिंह जी, और फिर है मोहन लाल सर, और अभी जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है ये हमारे जगमोहन सर है, ये हमारी पूरी टीम है। और मोहन सर को तो हमने जबरदस्ती कार में ठूसा है, अभी ये तो आ नहीं रहे थे पूरे। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो अभी हम जा रहे हैं पटियाला की तरफ, और पटियाला से सरहिंद की तरफ जाएंगे। पटियाला अभी यहाँ से 30 किलोमीटर हो रहा है, तो चलो मिलते हैं उसके बाद आगे फिर जाके। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं पटियाला, और अभी हम लंगर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर चाय का लंगर चल रहा है बाहर, तो चलो आपको दिखाते हैं। कितने जा पी रहे हैं? सोच रहे हैं कि थोड़ी दूर जाके उतार ही देंगे, पैदल आ जाएंगे। असत्य वचन बोले हैं गोपाल जी ने, सत्य वचन ये है कि बिल्कुल कंफर्टेबल वे से बैठे हैं, तब तक तो वैसे ही उतर जाएंगे आप। प्रॉपर वैसे बहुत आनंद आ रहा है। सारे आनंद तो मोहन लाल जी लेंगे। Thank you.
पहुंच चुके हैं सरहंद, पर गुरुद्वारा साहिब अभी यहां से 2.5 किलोमीटर है, तो पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और ये सारे, ये वीरेंद्र सिंह जी भी पहुंच चुके हैं मेरे साथ, राजेश कुमार, ये मोहन लाल जी हैं, और ये जगमोहन सिंह जी हैं। हम सारे आए हैं इस गाड़ी से अपनी एक बिजी हो रही गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, पार्किंग की है। और ये देखो ग्राउंड, यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो चलो चलते हैं बस अब आगे, पैदल जाना पड़ेगा आगे। तो पहले जाएंगे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहिब, और उसके बाद जाएंगे ठंडा बुर्ज। चलो मिलते हैं आगे, गुरुद्वारा साहिब पहुंच के मिलते हैं हम। तो हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब। गुरुद्वारा साहिब है ज्योति स्वरूप साहिब, जिथे छोटे साहबजादिया ते माता गुजर कौर जी का संस्कार होया सी। करो जी दर्शन। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, यहाँ से वो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर है। तो अभी गुरुद्वारा साहिब जाएंगे और दर्शन करेंगे वहाँ, और मेरे साथ हैं राजेश कुमार और वो रहे मोहन सर। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो चलो पैदल जा रहे हैं इस करके। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सरहंद पहुँच चुके हैं, और ये सामने गेट है इसका, अभी अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो ये है गेट, यहाँ से भी अंदर जाना है। अच्छा, आप अपनी कंपनी से फिर आ जाइए।
बुर्ज के गेट तक पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पहुंच गए घर भी हम, अभी दर्शन कराते हैं उसके बाद मिलते हैं। आया फिर थले चंडेपुर से निकल के आए अभी और दर्शन किए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। गुरुद्वारा साहिब से दर्शन करके बाहर आए हैं और बस अब देखते हैं, यहाँ थोड़ी देर अभी घूमेंगे, उसके बाद घर की तरफ जाएंगे। तो चलो मिलते हैं फिर। तो फाइनली घर पहुंच चुका हूं और अभी टाइम हुआ है रात के 11:30। पहले सबको ड्रॉप किया और उसके बाद घर आया हूं। रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था और धुंध थी, तो रात आते टाइम वीडियो शूट नहीं की। और आज बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय भी किया
और बहुत कुछ अच्छी बातें भी पता चली सिख धर्म के बारे में और चार साहिबजादों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। We'll be right back.